प्रत्यक्ष होगा क्या ना तो भाई देखिए हमको मालूम है कि हमको मालूम है कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है और हरियाणा में 5 नगर निगम और 2 म्यूनिसपैलिटीज का चुनाव ये 16 दिसंबर को पोलिंग होगी और हमारे यहाँ मेयर के नाते बहन रेणुबाला गुप्ता और हमारे सभी 20 के 20 वार्डों में पार्षद कैंडिडेट खड़े हैं। आज मेरी यहाँ 4 सभाएं रखी हुई हैं, उसमें आज ये पहली सभा थी। लोगों में भरपूर उत्साह है और इस उत्साह के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हम मेयर का अपना चुनाव, जो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव है, और इसी प्रकार से अधिकांश वार्डों में भी हम इस चुनाव को जीत करके कॉर्पोरेशन पर अपना कब्जा जमाएंगे। अरे और 2-4 हों वो भी इकट्ठे हों, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बल्कि वो जितना ज़्यादा इकट्ठा होने का स्वांग रचेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ती है। हमारी ताकत ज़्यादा है इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी ताकत को कमज़ोर समझते तो इकट्ठा ना होते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, और धुर विरोधी जब लोग इकट्ठे होते हैं, भानुमति का कुनबा इस प्रकार से इकट्ठा होता है, तो उसका निश्चित रूप से हार का जो संदेश है वो उनके लिए है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर वो चुनाव जीतेगा। सर 5 स्टेटों में जो चुनाव के नतीजे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि एक प्रकार का वो टाई चुनाव है, और इस टाई चुनाव के कारण से कोई हमारा वोट कम मिला है हमें ऐसा नहीं है। हमारे यानी विधायक जरूर 2 या 3 रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर या तो मध्य प्रदेश में उनको कोई बहुमत नहीं मिला है और राजस्थान में मिला है तो मार्जिनल बहुमत जिसको कहते हैं कि 199 में से 100 सीटें वो बहुमत नहीं है बल्कि आधी सीटों का ही उनको एक जाता है, लेकिन वोट संख्या हमारी वहाँ भी सिर्फ 0.5% कम है, इसलिए केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी सब जगह हम बराबर पर रहे हैं। ये टाई चुनाव हुआ।